हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा बेसिक कंसेप्ट है और खासकर सभी क्लास के स्टूडेंट, चाहे इलेवेंथ हो, ट्वेल्थ हो, बीएससी हो, एमएससी हो और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की तैयारी करें, चाहे सेट की तैयारी करें, चाहे नेट की तैयारी करें, जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने लोअर एग्जाम से लेकर हायर एग्जाम तक सभी एग्जाम में ये इस टॉपिक से दो या तीन क्वेश्चन तो कंफर्म पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपने बेसिक नॉलेज के लिए, अपने सिलेबस नॉलेज के लिए इसको पढ़ना तो जरूरी है ही, साथ में अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में भी इस टॉपिक से 100% है दो तीन क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पूरे टॉपिक को शुरू से अंत तक जरूर देखें और समझने की कोशिश कीजिए कि जो हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, आपने बार बार क्वेश्चन देखा होगा कि किसी कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, किसी को हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोल देते हैं, किसी को हम क्या करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन हमें कंफ्यूजन रहता है कब किसी कंपाउंड को एरोमेटिक बोला जा रहा है, कब किसी को एंटी एरोमेटिक बोला जा रहा है और कब किसी को नॉन एरोमेटिक बोला जा रहा है। ठीक है, साथ ही हम हकेल्स रूल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जो हकेल्स साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, ये जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एरोमेटिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सबको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। ठीक है, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंट्री एरोमेटिक कंपाउंड। तो जैसे हम अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की डिस्कस करें, एरोमेटिक कंपाउंड की डिस्कस करें तो क्या बोलते हैं हम लोग, जनरली जो क्या हो साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक मतलब साइक्लिक क्या हो सकता है, मोनोसाइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है, या फिर पॉली साइक्लिक बेंजोइक कंपाउंड। पहला कंपाउंड तो एरोमेटिक होने के लिए क्या जरूरी हो, साइक्लिक हो, ठीक है, साइक्लिक हो, तो ये मोनोसाइक्लिक हो सकता है, मतलब एक साइकिल वाला भी हो सकता है, जैसे बेंजीन सबसे इजी एग्जांपल, ठीक है, या पॉलीसाइक्लिक बेंजोइनॉइड कंपाउंड, इस टाइप से जैसे दो साइकिल एक दूसरे क्या है अटैच हुए हैं, बेंजोइड टाइप से कंपाउंड, इसको बेंजोइड टाइप से कंपाउंड बोलते हैं, तो ऐसे कंपाउंड। ठीक है, साथ हो, इसमें क्या हो, एरोमेटिक होने के लिए क्या जरूरी होता है, डी लोकेलाइजेशन बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, कंजुगेशन। ठीक है, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें डी लोकेलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो, डी लोकेलाइज हो, जैसे ये देखो क्या है, डी लोकेलाइज है, जैसे डबल बोन, सिंगल बोन, डबल बोन, डबल डबल, ठीक है, डबल बोन, सिंगल बोन, डबल बोन, सिंगल बोन, सिंगल बोन, डबल बोन, फिर सिंगल बोन, फिर ये क्या होगा, डबल बोन। ठीक है, तो ये लगातार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डी लोकलाइज हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट इसके लिए क्या होना चाहिए, जो कंजुगेशन, कंजुगेशन की हम लोग बात कर ले, ठीक है, अगला इसके लिए क्या होना चाहिए, ये हकेल्स रूल को फॉलो करे, ठीक है, हकेल्स रूल फॉलो, ठीक है, साइक्लिक हो, ये साथ में प्लेनर भी हो, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, एक ही प्लेन में हो, ठीक है, और साथ में क्या हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, ये क्या करे, ये हकेल्स रूल को फॉलो करे। ठीक है, तब हम ऐसे कंपाउंड क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे कंपाउंड क्या बोलेंगे हम लोग, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे हम बेंजीन को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोल देते हैं, ठीक है, जैसे ये क्या है, नेप्थलीन, नेप्थलीन क्या हो गया, एरोमेटिक
कंपाउंड हो। तो सबसे पहले मैं जैसे एरोमेटिक के लिए बताया, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबको क्लासिफाई कर देता हूँ, ठीक है, सबको क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा और कौन क्या होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो किस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग, हकेल्स रूल, ठीक है, हकेल्स रूल, मैंने क्या बोला आज, हकेल्स रूल, हकेल्स रूल भी पढ़ेंगे हम लोग। तो हकेल्स रूल से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, हकेल्स रूल से हम लोग क्लासीफाई करेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को। तो देखो हकेल्स रूल के अकॉर्डिंग हम इसको तीनों को अलग अलग पार्ट में, तो ये सभी क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के लिए, ठीक है। जैसे क्या हो, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, डीलोकलाइजेशन हो उसमें, ठीक है, और हकेल्स रूल को फॉलो करता, हकेल्स रूल कैसे फॉलो करे, हकेल्स रूल क्या है तो उसके बेसिस में हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हकेल्स रूल, ठीक है। इसको किसको हम लोग देखेंगे, बोले थे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक शॉर्टकट में ये बोल देते हैं, नॉन एरोमेटिक एन ए और एंटी एरोमेटिक को ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं जैसे मैंने तो क्या, जैसे एरोमेटिक के लिए तुम्हें बता दिया था, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, ठीक है, साइक्लिक हो, फिर से लिख देते हैं, साइक्लिक हो, प्लेनर कंपाउंड हो, ठीक है, डीलोकलाइजेशन हो, और अब सबसे मेन पॉइंट हकेल्स रूल। तो ये तो सबको पता है, जो हकेल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल दिया था, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपाउंड को क्या क्या कर सकते हैं, उसकी एरोमेटिसिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। तो उन्होंने कौन सा रूल दिया था, 4n+2π रूल, ठीक है। तो हकेल ने क्या बोला कि ऐसा कोई भी कंपाउंड, ठीक है, ऐसा कोई भी साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड जिसमें 4n+2π इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वही कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। जैसे ये 4n+2π, जैसे n की वैल्यू हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, जैसे n की वैल्यू 0 रखोगे, n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, 2π, n की वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा, 6π, फॉर्मूला में रखते जाओ, 2 रखोगे तो कितना आएगा, 10, इसी तरह 14, 3 रखोगे तो 18π, ठीक है। तो हकेल्स ने क्या बोला कि ऐसा कंपाउंड जो हकेल्स रूल को फॉलो करे जिसमें 2π, 6π, 10π, 14π, 18π इस टाइप से इलेक्ट्रॉन आएंगे, वे कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्लियर है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए साइक्लिक प्लेनर हो, कंजुगेशन तो हो कि डीलोकलाइजेशन हो, और साथ ही हकेल्स रूल को फॉलो करे, 4n+2π रूल, ठीक है। कि अब हम क्या देखते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चे क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड को तो पहचान लेते हैं, लेकिन उनमें नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो मैं आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को आपको कैसे पहचानना है, ठीक है। और इसी से आपके चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे PET का एग्जाम हो, चाहे आप अगर हायर लेवल पे देखें, चाहे सेट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, ठीक है, सभी कंपटीशन एग्जाम में इसी से नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे इसी से क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो नॉन एरोमेटिक देखते हैं, ये क्या होता है, ये भी साइक्लिक हो सकता है, ठीक है, साथ में ये साइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक याद रखिएगा, साइक्लिक के साथ ये साइक्लिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है क्या हो, साइक्लिक हो। अब जैसे ये प्लेनर है, ठीक है, तो याद रखिएगा जो नॉन एरोमेटिक होता है वो क्या होता है, नॉन प्लेनर, क्या होता है, नॉन प्लेनर, ठीक है, वो प्लेन में नहीं होते, वो क्या होते हैं, नॉन प्लेनर,
इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन प्लेनर। अब हम लोग क्या देखते थे, डीलोकलाइजेशन, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन का केस उतना अप्लाई नहीं होता, डीलोकलाइजेशन होता है और कई जगह, कई बार डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, sp3 कार्बन होने की वजह से कई जगह डीलोकलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो अगला देखो, सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है इसमें क्या होता है, ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओड इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे कई बार क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, उसको क्या बोलते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे अब इसमें क्या होता है, इसमें जरूरी है कि फोरेन प्लस, इसमें फोरेन इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और फोरेन प्लस 2π इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों, चाहे उसमें फोरेन इलेक्ट्रॉन हो या क्या हो, फोरेन प्लस 2π, दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम लोग देखते हैं एंटी एरोमेटिक, उसके बाद बताऊंगा कि फोरेन प्लस 2π इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब हम लोग क्या देखते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ये भी क्या होता है, इसी की तरह एरोमेटिक की तरह ये भी क्या होता है, साइक्लिक होते हैं और प्लेनर वाले होते हैं, ठीक है। साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन एरोमेटिक की तरह, इसमें भी क्या होता, क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डीलोकलाइजेशन, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें जैसे हम फोरेन प्लस 2π इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, फोरेन प्लस 2π हाँ रूल को फॉलो करो, इसमें फोरेन पाई भी हो सकते हैं और फोरेन प्लस 2π भी हो सकते हैं, लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में फोरेन पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या है, इसमें फोरेन प्लस 2π इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हकल सूत्र को फॉलो करते हैं, और जबकि उसमें फोरेन पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का काम करते हैं, ठीक है। अब हमको इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करना है, कि कब हम लोग जानेंगे कि, अच्छा और एक चीज, इसमें फोरेन पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें एन की वैल्यू कहाँ से शुरू होता है, एक से, तो एन की वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा, 4π, एन की वैल्यू 1 रखो 4π, एन की वैल्यू 2 रखो कितना आएगा, 8π, 3 रखो तो कितना आएगा, 5, 4 रखो तो कितना आएगा, 16 4π, ऐसे बढ़ते जाएगा, मतलब इसमें देखो 2π 6π 10π 14π ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आप आसानी से पहचान जाओगे क्या है, वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर किसी कंपाउंड 4π 8π 12π 16π, ठीक है, इस टाइप के जब इलेक्ट्रॉन आएंगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो आप समझ जाओ क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जब कोई नॉन प्लेनर कंपाउंड आएगा, ठीक है, नॉन प्लेनर कंपाउंड आएंगे, ठीक है, तो वो या ओड इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड आएंगे, तो आप समझ जाओगे क्या होगा, वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। ये तो हम लोग देख लिए कि हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं या कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा, या फिर कब कोई क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब जैसे मैं ये तो बोल दिया, अब इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करना है उसको बताता हूँ। जैसे कोई मॉलिक्यूल मान लो, ठीक है, जैसे यहीं पे मैं बताता हूँ इलेक्ट्रॉन काउंट के बारे में, मार्कर एक सेकेंड, जैसे यहीं पे बताता हूँ इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेंगे। जैसे कोई भी किसी भी कंपाउंड मान लिया जाए, किसी भी अगर प्लस चार्ज लगा हो, ठीक है, प्लस चार्ज लगा हो तो इलेक्ट्रॉन कितना काउंट करना है, 0, ठीक है, प्लस मतलब क्या है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अगर मान लो किसी भी रिंग में नेगेटिव माइनस इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मान लो किसी भी रिंग में एक लोन पेयर है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो किसी में अगर डबल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, 2। अगर मान लो जैसे
यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तभी कितने कितना काउंट करते हैं उसको, दो ही, ठीक है, मतलब समझ गए। अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसको जीरो काउंट करेगा, नेगेटिव रहेगा तो उसको टू काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको दो काउंट करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो फिर उसको काउंट करेंगे दो, और एक केस अगर इसी में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे अभी मैं बोले थे ओड इलेक्ट्रॉन, तो उसको कितना काउंट करेंगे, एक सिंगल एक काउंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक चीज जहाँ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, किस में लोन पेयर, लोन पेयर काउंट करें, ये तो अगर सीधा से एग्जांपल है, देखो जैसे लोन पे मान लिया, जैसे ये दो एग्जांपल किस को समझाता हूँ, ठीक है, ये क्या है पायरोल पिरिडीन, ठीक है, ये पायरोल हो गया, ये पिरिडीन हो गया, क्या हो गया फ्यूरोन हो गया। अब देखो जैसे इसको देखो, सबसे पहले ये जो लोन पेयर है, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये क्या है, ये जो लोन पेयर है कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर लोन, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड फिर ये कंजुगेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये लोन पेयर क्या है कंजुगेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये लोन पेयर क्या होगा, हाफकेल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, HL, ठीक है, हाफकेल लोन पेयर, ठीक है, हाफकेल लोन पेयर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा काउंट होगा, जैसे इसको हम लोग कितना करते दो दो चार, और इसको दो कितना करते छह हो जाता, तो हाफकेल, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है एरोमेटिक होगा, ठीक है, तो ये क्या हो रहा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर इसकी वजह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये कंजुगेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब ये हकेल्स रूल होगा, तो हकेल्स रूल होगा तो हकेल्स लोन पेयर होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे काउंट करेंगे, कितना लोन पेयर कितना करते हैं दो, ठीक है, टू काउंट करेंगे। अब यहाँ देखो, इसको देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये लोन पेयर को तुम देखो, इसको कंजुगेशन में भाग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये लोन पेयर को देखो, इसको तो कंजुगेशन भाग लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये कंजुगेशन में है, तो ये लोन पेयर यही रहेगा, फिक्स है, ठीक है, कंजुगेशन में भाग नहीं ले रहा है, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे, लोन पेयर काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये जो इसका लोन पेयर होंगे, ये क्या होगा नॉट हाकेल लोन पेयर, NHL बोलते हैं, ठीक है, ये हाकेल नोट हाकेल लोन पेयर, मतलब ये हाकेल का लोन पेयर नहीं है, मतलब ये क्या होगा काउंट नहीं होगा, क्यों काउंट नहीं होगा समझ में आया, क्योंकि वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वही लोन पेयर हाकेल लोन पेयर कहलाएंगे, या वही लोन पेयर काउंट होंगे जो कि कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उस पूरे पर्टिकुलर रिंग में कंजुगेशन आ रहा है, ये चीज को आप दिमाग में जरूर रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगला ये इलेक्ट्रॉन देखो, अगर ये कंपाउंड देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल लोन पे सिंगल बॉन्ड डबल, तो इसकी वजह से कंजुगेशन आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसके बाद फिर ये आ गया लोन पेयर की वजह से, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, ठीक है, तो एक लोन पेयर की वजह से ये कंजुगेशन स्टार्ट हो गया, इसकी वजह से कंजुगेशन हो जा रहा है, लेकिन ये दूसरे लोन पेयर की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इसी लोन पेयर की वजह से उसका कंजुगेशन क्या हो जा रहा है कंप्लीट हो जा रहा है, उसका डीलोकलाइजेशन क्या हो जा रहा है कंप्लीट हो जा रहा है, तो ये तो काउंट होंगे, ठीक है, ये क्या होगा हाकेल लोन पेयर, लेकिन ये जो लोन पेयर है ये क्या होगा नॉट हाकेल लोन पेयर, ठीक है, ये क्या होगा काउंट नहीं होगा, केवल एक ही लोन पेयर क्या होगा काउंट होंगे। तो क्लियर है कि कब किसी लोन पेयर को आपको हाकेल रूल में काउंट करना है, और कब किसी लोन पेयर को हकेल्स रूल में काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ ये जो बेसिक थे, जैसे इसे काउंट करते 2, 4, 6, 6, 5 मतलब एरोमेटिक, 2, 4, 6 मतलब एरोमेटिक, 2, 4, 6 मतलब क्या होगा एरोमेटिक, ठीक है। तो प्लस वाले को हमको काउंट नहीं करना है, नेगेटिव वाले को 2 काउंट करना है, जैसे जैसे ये एग्जाम्पल
जैसे ये कोई रहता तो इसको कौन करते हैं 2, 4, 6 सिक्स मतलब क्या हो जाता है ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है अब जैसे ये और एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये ठीक है ये हो गया और उसके बाद मान लिया जो ये लगा ले अब इसमें काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है ये 2 एक डबल बॉन्ड कितना काउंट करते हैं 2 तो कितना होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या होगा ये एरोमेटिक। ठीक है अब इसमें काउंट करो 2, 4, 6 और नेगेटिव माइनस को कितना करते हैं काउंट करते 2, 4, 6 और 2 कितना होगा 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है अब कौन सा एग्जांपल बताया तुम्हें जैसे ये हो गया अब देखो जैसे ये क्या है साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है किसका एग्जांपल था साइक्लोहेप्टा कितने कार्बन है 7 साइक्लोहेप्टा ट्राइनिल एनायन। ठीक है अब ये क्या है साइक्लोप्रोपीनियम आयन। ठीक है अब जैसे इसका एग्जांपल देखो इसको यहां देखो ये क्या है साइक्लोब्यूटाडाइन। आप बताइए एरोमेटिक होगा एंटी एरोमेटिक होगा नॉन एरोमेटिक। देखो काउंट करो 2, 2, 4 कंजुगेशन में भी है 2, 2, 4 चार पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब क्या होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है क्या होगा वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड समझ गए क्या होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब मान लिया जाए ये कोई कंपाउंड दिया है इसे ठीक है तो देखो 2, 4 और 1 ओड इलेक्ट्रॉन। देखो ओड इलेक्ट्रॉन किसमें होता है नॉन एरोमेटिक। ये किसका एग्जांपल है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ये किसका एग्जांपल है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का। क्लियर है कि ये कैसे नॉन एरोमेटिक क्योंकि इसमें क्या है ओड इलेक्ट्रॉन और ओड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो जैसे और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग ठीक है ये क्या है बेंजोपायरोल इसमें काउंट करो 2, 4, 6, 8 और 2, 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में भी है प्लेनर है तो ये क्या होगा एरोमेटिक कंपाउंड 10 पाई आ रहा है मतलब क्या होगा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है एरोमेटिक कंपाउंड। अब जैसे और एक दो एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप इसको देखो एक ही एग्जांपल से मैं सबको समझाने की कोशिश करता हूं। प्लस प्लस हो गया एक लोन पे है मान ले हैं प्लस है। ठीक है अब देखो कौन एरोमेटिक होगा एंड कौन नॉन एरोमेटिक होगा और कौन एंटी एरोमेटिक इसको काउंट करो 2, 4 और 6 6 पाई मतलब क्या होगा ये एरोमेटिक 2, 4
दो चार प्लस को तो जीरो होता है, दो चार फोर पाई, ठीक है। तो क्या होगा ये फोर पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एंटी एरोमेटिक, अरे दो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो दो टू पाई, तो क्या होगा ये एरोमेटिक, इसका दो दो चार फोर पाई, तो क्या होगा ए एंटी एरोमेटिक, ठीक है। समझ गया ना क्या होगा ये एंटी एरोमेटिक। अब जैसे जैसे ये ठीक है, ये को कंपाउंड ले लिया हम लोग ये, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ कंजुगेशन में तो नहीं है, पहली बार पता चल गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बना रहे फिर डबल बॉन्ड, कंजुगेशन में तो नहीं है, ठीक है। और क्या है कंजुगेशन में नहीं है, मतलब ये क्या होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंजुगेशन में नहीं होता, ठीक है। कंजुगेशन में जरूरी नहीं कंजुगेशन में हो, इलेक्ट्रॉन कौन का टू टू फोर, ठीक है। तो हम लोग देखे थे नॉन एरोमेटिक के लिए कि फोर पाई और फोर फोर एन प्लस टू पाई दोनों कोई भी हो सकता है। और सबसे सबसे इजी पहचानने का यहाँ देखो ये कार्बन क्या है sp3, ठीक है, कार्बन क्या है sp3, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक को पहचानने की सबसे अच्छा कैसे पहचान सकते हो, उसमें कोई एक कार्बन क्या हो sp3 हो, अगर किसी कार्बन कोई अगर साइक्लिक कंपाउंड दिया है या नॉन साइक्लिक कंपाउंड दिया है, अगर कोई कार्बन अगर sp3r है, ठीक है sp3r है, ठीक है sp3 कार्बन हो तो वो क्या होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। दो तरह से पहचान सकते हो कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या तो उसमें एसाइक्लिक हो, ठीक है एसाइक्लिक हो नॉन प्लेनर हो, या तो उसमें sp3 कार्बन हो, या तो उसमें हमने क्या देखे ओड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो ये सब के बेसिस में हम आप पहचान सकते हो कि कौन नॉन एरोमेटिक हो, ठीक है। तो मैं कुछ बेसिक एग्जांपल दिया कि कैसे हम हाकेल्स रूल के अकॉर्डिंग हम कि कैसे एरोमेटिक को पहचान सकते हैं, नॉन एरोमेटिक को पहचान सकते हो, एंटी एरोमेटिक। तो ये मैं कुछ बेसिक बस छोटे छोटे एग्जांपल दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे इसके कुछ लार्ज बड़े एग्जांपल जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि केवल इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। कल हम लोग इसका ब्रॉड लेवल में देखेंगे कि इससे रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में आपके कंपटीशन एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे हम डिटेल में एरोमेटिक को पहचानेंगे, और सबसे ज़्यादा जरूरी नॉन एरोमेटिक के बारे में पढ़ेंगे और एंटी एरोमेटिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड कंपाउंड को क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही देखते हैं, ठीक है, कल हम लोग इससे आगे देखेंगे, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।